हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अपने घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। एक छोटे से शहर में राजू नाम का एक लड़का रहता था अपने माँ बाप के साथ। उसका व्यवहार बड़ा चंचल था, चंचल किस्म का लड़का था, जिद्दी भी था, हर बात पे कुछ ना कुछ डिमांड करता रहता था। आज भी बच्चों की ये आदत होती है और पहले भी होती थी, लेकिन आज और कल में कुछ फ़र्क था, क्योंकि जो आज के बच्चे हैं उसको हम इतना ज़्यादा सच्चाई से दूर रखते हैं या व्यवहारिक ज़िंदगी से उसको रूबरू नहीं कराते पेरेंट्स लोग, जिसकी वजह से वो अपने ज़िंदगी में व्यवहारिक मूल्यों को समझ नहीं पाते, जो उनको आगे तकलीफ़ भी आती है समस्याओं को झेलने में या फेस करने में। पहले के लोगों में ऐसा नहीं था, पहले के जो बच्चे होते थे जो मेरे टाइम के या मेरे से पहले, उनको प्रैक्टिकल चीज़ों का अनुभव होता था और ना भी सुनने की आदत होती थी। कोई ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ उनको मिल ही जाए। तो ये जो चीज़ें हैं वो ज़िंदगी से आपको लड़ना सिखाती है और ज़िंदगी को जीना सिखाती है। तो राजू एक ज़िद्दी लड़का था और वो हर बात पे कुछ ना कुछ डिमांड करता रहता था, और ज़रूरी नहीं है कि हर डिमांड हर पेरेंट्स पूरा कर सके। तो लेकिन ये कहानी आगे बढ़ाने से पहले, मेरे अगर चैनल का अभी तक आपने वीडियो क्लिपिंग नहीं देखा है जो कि मेरे चैनल के विषय में बताता है कि मैं किस तरह का वीडियो बनाता हूं, तो ये देखिए वो है वीडियो के लिए भी। सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए ऑल वाले पर, ताकि ऐसे ही और भी अच्छे अच्छे वीडियोस जो कि इस चैनल पे अवेलेबल हैं आप उनको देख पाएं और ज्ञान की वर्धक की जो बातें हैं आपको भी वो सब सुनने को मिले। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को या इस चैनल को शेयर करिए, जो भी आपको पसंद आता है उसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में, और लाइक के साथ में, शेयरिंग के साथ में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके कमेंट रिव्यू बहुत वैल्यूबल है। उम्मीद करता हूँ इससे आपको पता चला होगा कि मैं किस तरह का वीडियो बनाता हूँ। चलिए कहानी देर नहीं करते हुए कहानी को लेकर चलते हैं आगे और उसके अंतिम मुकाम पर। तो राजू ने अपने पिताजी से डिमांड किया कि नहीं, मेरे को तो बाइक चाहिए। अब कोई बाइक तो सस्ता सामान होता नहीं है कि 1000-2000 में आ जाएगा, तो हर पेरेंट्स जो होते हैं अपने हिसाब से उनको बजटिंग करनी पड़ती है। डेली के बोलने से पेरेंट्स भी जवाब देना मतलब मुनासिब नहीं समझते थे, वो ज़रूरी नहीं कि हर बात को जवाब दें। राजू एक दिन नाराज होकर कि नहीं, मेरे को तो आज ही चाहिए, ऐसा करके वो गुस्से में कहा कि मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, मैं आऊँगा नहीं, ऐसा करके बच्चे करते हैं, और घर से बाहर चला गया। और बाहर जाते जाते उसने जल्दी में अपने पिताजी का जूता पहन लिया गुस्से में। उसको पता नहीं चला कि मैं अपना चप्पल छोड़ के और अपने पिताजी का जूता पहन के निकल गया। लेकिन जाने के पहले उसने सोचा कि मैं जब भी पापा से बोलता हूँ कुछ पैसे दो तो पर्स को छुपा देते हैं या ऑफिस आते छुपा के रखते हैं, तो आज इनका पर्स भी लेके चलता हूँ। पर्स लेके भाग गया बाहर। माँ चिल्लाती रही पीछे से, मत जाओ मत जाओ, पिताजी को आने दो, पापा को आने दो, बात करती हूँ। लेकिन बच्चा तो जिद्दी था, सुनने को तैयार नहीं, वो भाग गया। भागते भागते जब उसके देखा कि उसके पैरों में कुछ कीले चुभ रही हैं, तो कीले अभी चलने में असमर्थ महसूस कर रहा था, तो एक जगह जाके बैठ गया, एकांत में जाकर बैठ गया। तो उसको आया कि देखते हैं कि पर्स में पिताजी रखते क्या है, इतने दिन हो गए वो छुपा के रखते हैं। तो देखा कि उसमें कुछ खास पैसे तो नहीं है। फिर बोला जी यार कोई हो सकता है बैंक अकाउंट में रखे हुए हैं कुछ। तो छोटी सी एक डायरी उसमें से पर्स में से मिली, कहा पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा है। उसमें लिखा था कि जब राजू के लिए उसके पिताजी ने कंप्यूटर खरीदा था तो किन लोगों से कर्ज लिया था,
उसका हिसाब लिखा था, कब कब कैसे कैसे कर्ज वापस किया वो लिखा हुआ था। अब राजू ये पढ़ के थोड़ा शौक हो गया कि वो तो समझता है कि अरे यार पिताजी के पास पैसे होंगे, लेकिन यहाँ तो पिताजी ने कर्ज लेके कंप्यूटर खरीदा और के पैसे के ऐसे हिसाब लिखे थे उन्होंने। इसी तरह का जब नया चैप्टर आया तो उसने ऐसे ही कुछ और भी देखे, उसने कहीं से कर्ज लिए और अपने उधार वगैरह वापस किए। उसके बाद जब उसने अगला पन्ना पढ़ा तो और दंग रह गया और उसकी आंखों से आंसू आने लगा कि मैं अपने पिताजी को क्या क्या बोलता हूँ, अपने माता पिता को क्या नहीं बोलता, ये ला दो वो ला दो, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही लिखा है। उसमें लिखा था कि उसके पिताजी ने कहाँ कहाँ से कितने पैसे अरेंज किए हैं और अभी कितना हो गया है उसके बाइक को खरीदने के लिए, तो कितने पैसे बचे हुए हैं। अब राजू की आंखों में आंसू आ गया, रोने लगा, लेकिन उत्सुकता भी बढ़ी आखिर अभी इस लास्ट पेज में क्या लिखा हुआ है। तो लास्ट पेज में उसके पिताजी ने विश लिखा कि मेरा विश क्या है, मतलब मैं क्या चाहता हूँ, मुझे क्या अगर कोई मिलेगी क्या करना चाहिए तुमको अपने लिए, तो वो पिता अपने आप से बोल रहा है कि मैं क्या अपने लिए कर सकता हूँ। तो उसमें लिखा था कि सबसे पहला विश तो मैं अपने लिए एक जूता खरीदना चाहता हूँ क्योंकि मेरे जूते फट गए हैं। तभी राजू को ध्यान आया कि जो जूता वो पहन के भागा है वो मेरे पिताजी का है। वो उठा के देखा तो उसके तलवे भी घिस गए थे, उसके कीलें निकल रही थी। फिर उसको माँ की बात भी याद आने लगी कि माँ बोलती थी अरे आपका जूता फट रहा है आप खरीद लो, उसके पिताजी बोलते थे नहीं अभी तो चलेगा 5-6 महीने, अभी तो पहले खरीदा था तो कोई दिक्कत नहीं है। वो सारी बातें उसको एक फिल्म की तरह, उसके चलचित्र की तरह उसके सामने से गुजर रही थी और राजू बहुत रोने लगा। दोस्तों ये कहानी हर घर की है, हर घर में ये घटनाएं आज चलती है। हम अपने बच्चों को अपनी परेशानियों से अवगत नहीं कराते या हमारे बच्चे जो हैं अवगत नहीं हो पाते। इसका कारण मैं बच्चों को नहीं मानता, हमारा काम है बच्चों को अपनी परेशानियों से अवगत भी कराना। अच्छा अच्छा ज़िंदगी दिखाना भी खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि बच्चा जब अच्छा अच्छा ज़िंदगी देखेगा ज़रूरी नहीं हो कि पूरी ज़िंदगी आपके साथ रहने वाला है। आगे की पढ़ाई के लिए उसको बाहर जाना पड़ेगा। अब आपने फूल तो रखा है, फूल बना के रखा है, तो फूल तो इतना कोमल होता है जो थोड़ा सा भी कहीं से हवा आए तो भी उसकी पंखुड़ियाँ टूट जाती है। तो आप अपने बच्चों को फूल बनाना चाहते हैं, स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आज आप देखते होंगे बच्चे लोग मतलब काफ़ी बीच में आत्महत्या की घटनाएं आ जाती थी, क्यों? क्योंकि बच्चों को हम लोग जो है ना कि उसको प्रैक्टिकल व्यवहारिक ज़िंदगी से रूबरू नहीं कराते, परेशानियों से अवगत नहीं कराते, कभी डिस्कस नहीं करते कि हमारी परेशानी क्या है, हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, सब चीज़ अच्छा ही बताते हैं। और अगर बताते भी हैं तो काफ़ी लेट से, जैसे वो बोलते हैं ना कि बांस अगर पक जाए तो उसको आप झुका नहीं सकते। अभी बच्चा को अगर बचपन से ही आप उसको बैठ के उसको समझाओ कि आपका सैलरी क्या है, आप कितना कमाते हो, आप क्या कर सकते हो इस सैलरी में, क्या नहीं कर सकते, तो बच्चा धीरे धीरे समझने का कोशिश करेगा, प्रयास करेगा। लेकिन आप बचपन में तो आप उसको अच्छे अच्छे ज़िंदगी दे बता रहे हो, जैसे कि मान लो आजकल कंपटीशन की भावना है, दूसरे के घर में क्या हो रहा है उसका इकोनॉमिकल कंडीशन अलग होगा आपका अलग है। आप अपने इकोनॉमिकल कंडीशन से उसको समझाओ, अपने आर्थिक परिस्थिति के हिसाब से समझाओ कि आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो। दूसरे से तुलना नहीं, सबका अलग अपना परिस्थितियाँ हैं, आपकी अलग परिस्थितियाँ हैं, तो बच्चे को समझाओ कि हम इस परिस्थिति में ऐसा कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। अगर बचपन से उसको समझाने के प्रयास करोगे, अपनी समस्याओं से अवगत कराओगे, तो धीरे धीरे मुझे लगता है कि बच्चे भी समझेंगे, बड़े होकर भी उनके दिमाग में रहेगा कि हमारे माँ बाप ने हमें किस परिस्थिति से पाला पोसा और किस तरह से हमारे एजुकेशन शिक्षा को हमें दिलाया। तो उससे क्या होगा, बच्चा आपको समझेगा, एक सही रास्ते पे भी जाएगा, उसकी सोच भी अच्छी होगी, ये समाज में वो चीज़ों के महत्व को समझेगा,
और उससे उसको लाभ होगा एक अच्छा इंसान बनने में। और एक अच्छा इंसान ही एक अच्छा समाज बनाता है, एक अच्छा इंसान अगर समाज बनाता है तो ऐसे देश भी अच्छा बनता है, राष्ट्र भी अच्छा होता है और विश्व का कल्याण भी होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरी बातें समझ में आ गई हो तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, और फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए विचार के साथ। धन्यवाद।